So the next topic, tangents and normal. So tangent normal हमारा इस chapter का ना third topic है. As I had told you कि ये chapter जो है अलग अलग topic में divided है, जिसमें से एक हमारा है tangent and normal. अगर हमारा किसी curve के साथ tangent कोई mention है, जैसे curve है y is equal to fx, और ये हमारा tangent है. Tangent means the line which is passing through the single point of that curve. जो कर्व को टच करते हुए लाइन जा रही हो, इंटरसेक्ट करते हुए नहीं, जो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है वो तो सीकेंट हो गई, क्योंकि वो दो पॉइंट पे कट कर रही है. हम बात कर रहे हैं वो लाइन जो सिंगल पॉइंट से टच करती हुई जा रही हो, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट. वो हमारा टेंजेंट होगा उस कर्व के लिए. और उसी सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उस टेंजेंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. उसे हम कहते हैं नॉर्मल. तो यहां पे इस डायग्राम में दिस लाइन इज नॉर्मल एंड दिस लाइन इज टेंजेंट. ये लाइन टेंजेंट है और वो लाइन नॉर्मल है. अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप के बारे में ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो कि स्लोप क्या होता है. अब स्लोप टेंजेंट का अगर हम देखें कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, तो जो कर्व गिवन होगा ना, जिस कर्व के साथ वो टेंजेंट है, उस कर्व का अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा दैट विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट. वो कांस्टेंट वैल्यू हमारा होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट. जैसे कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन. और ये एक्स वन वाई वन क्या है? दिस एक्स वन वाई वन इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये जो x1 y1 है, ये वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट एंड नॉर्मल इस कर्व को टच करते हैं. मींस इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, दैट विल बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं, तो dy बाई dx निकालने के बाद जो हमारा फंक्शन का रिजल्ट आएगा, मींस जो dy बाई dx आएगा, उस dy बाई dx में जब x और y की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं x1 और y1 से, तो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा दैट विल बी योर स्लोप ऑफ टेंजेंट. वो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, ये मैं बात कर रहा हूं अपने पुराने कंसेप्ट की जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन स्लोप्स आर इक्वल. व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं ऐसे, तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 मल्टीप्लाई m2 माइनस वन के इक्वल होता है. और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं. ये दो हमारी कंडीशन होती है. बट यहाँ पे हम बात करें नॉर्मल की. अगर हम नॉर्मल की बात करें तो मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. पैरेलल थोड़ी होगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल थोड़ी होते हैं. तो कौन सा सेकेंड फर्स्ट वाला रूल लगेगा, परपेंडिकुलर वाला. अब जब टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस वन आना चाहिए. मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट माइनस वन आना चाहिए, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हम देखें तो वो क्या होगा, माइनस वन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ये एक तरह से हमारा फॉर्मूला बन गया. स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने तो दैट विल बी माइनस वन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो आप सिंपल स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकाल चुके होगे उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना, आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा. सिंपल डन. ओके, अभी हम एग्जांपल के साथ बात करते हैं. एनसीईआरटी का पेज नंबर 207 पे एग्जांपल नंबर 14 देखिए. फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. एग्जांपल नंबर 14. Find the slope of tangent to the curve y is equal to x cube minus x at x is equal to 2. ये हमारा curve की equation है, ये tangent है. हमें at x is equal to 2 slope of tangent बताना क्या होगा. As I had told you, slope of tangent means differentiation of the curve. तो पहले यहाँ पर differentiate करेंगे with respect to x. तो dy by dx आ गया 3x square minus 1.
नाउ दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स की जगह टू रख दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई टू का स्क्वायर माइनस वन, टू टू जा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व माइनस वन, रिजल्ट आ गया इलेवन. इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू इलेवन. अब अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 11 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? माइनस वन बाय इलेवन. डन बेटा. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15. थोड़ा सा डिफरेंस है. फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज द स्लोप 2/3. पिछले क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट गिवन था, स्लोप निकालना था, यहां उल्टा हो गया. यहां स्लोप गिवन है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताओ क्या होगा. ये हमारा कर्व है, दैट इज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1, और ये टेंजेंट है, और टेंजेंट का स्लोप हमें गिवन है 2/3. हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला स्टेप, लेट दिस पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई. हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को एज्यूम कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करूँ y का dy वाई बाई डी एक्स, तो इक्वल होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3, और 4x माइनस 3 का दोबारा से करेंगे 4, और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0. ये dy वाई बाई डी एक्स आ गया, मीन्स ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला हमने एट x y है, मीन्स x की जगह x और y की जगह y, तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला हमने. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन में भी दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2/3. अब टेंजेंट का स्लोप वो भी दे रहे हैं, टेंजेंट का स्लोप हमने भी निकाला, तो दोनों अलग तो नहीं होंगे ना, होंगे तो सेम ही. तो मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूँ. तो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 बाय अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3. अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, देन 4x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 3. अब x की वैल्यू को यहां से उठा के आप पुट कर दो फर्स्ट में, तो y इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9, और 9 का वैल्यू 3, तो y इज इक्वल टू 3. तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गया, 3, 3, एंड दैट इज योर आंसर. सो अभी तक जो हमने कंसेप्ट किया था दैट वाज ऑल अबाउट फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंडिंग द स्लोप ऑफ नॉर्मल, या फिर स्लोप्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इन चीज़ों से रिलेटेड अभी तक हमने क्वेश्चंस जो थे वो कवर किए हैं. इस एक्सरसाइज में ना दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या तो आपसे पॉइंट एंड स्लोप ये सब निकालने के लिए कहा जाता है, या फिर आपसे इक्वेशंस निकालने के लिए कहा जाता है टेंजेंट एंड नॉर्मल की. तो अभी जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल कराया ना, वो रिलेटेड थे उस चीज़ से जिसमें हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है या फिर स्लोप फाइंड आउट करना है. अभी दो एग्जाम्पल्स उस चीज़ पे हुए हैं, और उसके बेसिस पे जो हमारे क्वेश्चंस कवर होते हैं ना इस कंसेप्ट पे, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ 6.3 एक्सरसाइज. ये सारे क्वेश्चन जिस किसी में आपसे पॉइंट पूछा है, किसी में आपसे स्लोप पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स वो क्वेश्चन है जिसमें आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए कहा जाएगा. तो अभी मैं एक बार जो लास्ट दो एग्जाम्पल थे उनके जैसे एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ जस्ट फॉर रिकॉल, और उसके बाद फिर मैं आगे के क्वेश्चन लेता हूँ. सो
एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसके साथ ये टेंजेंट है एट x इज इक्वल टू 10। एट x इज इक्वल टू 10 मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए आई हैड टोल्ड यू कि हम पहले फाइंड आउट करते हैं dy बाय डी एक्स, मीन्स कर्व का डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय डी एक्स यहाँ हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाई में डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, द होल डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो अभी dy बाय डी एक्स का रिजल्ट आया x माइनस टू मल्टीप्लाई x माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन 1, x माइनस वन मल्टीप्लाई x माइनस टू का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाय x माइनस टू का होल स्क्वायर। सो फाइनली dy बाय डी एक्स इज x माइनस टू माइनस x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस टू का होल स्क्वायर। ये माइनस x प्लस x कैंसिल, सो फाइनली dy बाय डी एक्स का वैल्यू आया माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस टू का स्क्वायर। ये dy बाय डी एक्स है। अभी हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है, उसमें x कोऑर्डिनेट दैट इज 10। तो एट x इज इक्वल टू 10 मीन्स आप पुट करेंगे 10 x के प्लेस पे, तो dy बाय डी एक्स आ जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय 10 माइनस टू का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस वन बाय 8 का स्क्वायर 64। हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस वन बाय 64। और अगर आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाए, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज माइनस वन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो माइनस वन बाय माइनस वन बाय 64, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट, दैट इज 64। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7th, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो कि 11th क्लास से रिलेटेड आपसे बोले जाएंगे। अब यहाँ बोला है फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है। ये कर्व है दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो टेंजेंट है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स इसके पैरेलल एक लाइन है वो कि वो एक्स एक्सिस को डिफाइन कर रही है। जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब जो भी स्लोप एक्स एक्सिस का होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा, मीन्स टेंजेंट का होगा। अब एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है पता है आपको, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने छोटी क्लासेस में, मीन्स 11th में। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? जीरो। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो होता है और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस 1/0 होता है। तो यहां पे स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो, अब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इस लाइन का स्लोप भी जीरो ही काउंट किया जाएगा क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। मैं यहां लिख देता हूं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 1/0। ऐसे यहां पे भी मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की बात करें या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की बात करें
तो वो स्लोप जीरो होता है वाई एक्सिस की बात करें या फिर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करें स्लोप 1/0 होता है। तो मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ, इट्स अ नोट फॉर यू, अलग से कॉपी कर लेना अपने पास। सो ये y हमें गिवन है कर्व का इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करता हूँ y का dy/dx तो वो आएगा 3x² - 6x - 9 dy/dx। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी x, y, मतलब मुझे x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी dy/dx जब मैंने निकाला तो दैट इज डिफाइनिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 3x² - 6x - 9। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट अकॉर्डिंग टू अनदर कंसेप्ट मीन्स जो मैंने आपको ऊपर बताया, वो स्लोप है जीरो क्योंकि वो x एक्सिस का स्लोप है और दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो यहां पे रीजन लिख सकता हूं, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज द रीजन फॉर दैट। नाउ वी कैन राइट 3x² - 6x - 9 इज इक्वल्स टू जीरो, नाउ डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड, सो वी कैन राइट इट एज x² - 2x - 3 इज इक्वल्स टू जीरो। अभी इस क्वाड्रेटिक को आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, x - 3 x + 1 इज इक्वल्स टू जीरो। मैंने इसको फैक्टराइज किया तो x - 3 x + 1 इज इक्वल्स टू जीरो, यही आएगा, फैक्टर्स बन गया ना, -2 एंड +1 अप्लाई कर दिया। अभी एक बार x - 3 को जीरो रखेंगे, एक बार x + 1 को जीरो रखेंगे, जब इसे जीरो रखेंगे x का वैल्यू 3 आएगा, जब इसे जीरो रखेंगे x का वैल्यू -1 आएगा। हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए बोला था, मीन्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों फाइंड आउट करना है। अभी हमने सिर्फ x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया है, तो अभी इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, y इज इक्वल टू, दिस इज पुट इन फर्स्ट, -1 raised to the power 3 प्लस इट्स -3 of -1 raised to the power 2 -9 into -1 + 7, दिस इज -1 -3 + 9 + 7, दिस इज -4 + 16, तो y का वैल्यू आ गया 12, हैंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज -1, 12। अभी एक पॉइंट ये है, दूसरे पॉइंट की पॉसिबिलिटी भी तो है हमारे पास, x = 3। अभी इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए y में, तो y इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 27 माइनस 3 × 3 = 9 × 3 = 27 माइनस 27 + 7 कैंसिल, सो y का वैल्यू आ गया -20, हैंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 3, -20। क्या क्वेश्चन नंबर 8, 6.3। नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन टू अस, दैट इज y इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज द सीकेंट हैविंग टू पॉइंट्स 2, 0 एंड दिस इज 4, 4। वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लेट द पॉइंट इज x, y एंड गिवन दैट द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस कोड, टेंजेंट जो है वो इस कोड के साथ पैरेलल है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, दिस इज द कंडीशन, वी नो दैट। सबसे पहले यहाँ पे dy/dx फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 2 × x - 2 की पावर 2 - 1 इंटू में x - 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2x - 4। अब अगर मैं स्लोप ऑफ लाइन देखूं, लाइन बोलो या कॉर्ड बोलियो कुछ भी बोलिए, y2 - y1 / x2 - x1, ये स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फार्मूला होता है जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, y2 - y1 / x2 - x1, जस्ट अ रिमाइंडर। अभी इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 4/2, रिजल्ट आया 2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स इक्वल होते हैं, तो 2x - 4 मस्ट बी इक्वल टू 2, तो 2x का वैल्यू आ गया 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6,
तो x का वैल्यू हो गया 6 बाय 2, दैट इज 3। अब इस x के वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहां फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट, तो y का रिजल्ट आ गया 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, तो y इज 1, हेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 3, 1, एंड दैट इज योर आंसर। यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट वन, अभी ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए वो सब वही क्वेश्चन थे जिसमें हमें या तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा है या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट या और स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है। अभी हम बात करते हैं उन क्वेश्चन की जिसमें हमसे इक्वेशंस पूछी गई हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आप 19th वन, एग्जांपल नंबर 19th। अभी ये जो मैंने बताया था इन सब पे हमारे बेस्ड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हैं वो जो कवर कर रहे हैं इस कंसेप्ट को। आगे के क्वेश्चंस के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे जाएंगे। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर पूछी जाती है, इट्स नॉट अबाउट नॉर्मल, इट्स नॉट अबाउट टेंजेंट, मैं लाइन की इक्वेशन बात कर रहा हूँ, ये टेंजेंट है ये नॉर्मल है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स वन एंड वाई वन, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये पॉइंट टेंजेंट के ऊपर भी है और नॉर्मल के ऊपर भी है, तो दोनों के लिए एक पॉइंट का काम कर रहा है। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वन इज पॉइंट एंड अनदर इज स्लोप ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एक्स माइनस एक्स वन। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो और वो एक पॉइंट से पास कर रही हो और उसका स्लोप गिवन हो तो हम यूज़ करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन x माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे जब टेंजेंट बोलते हैं निकालने के लिए तो पॉइंट ऑन टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज़ होगा, और जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछते हैं तो पॉइंट ऑन नॉर्मल और स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज़ होगा। बट चांस की बात देखो, यहाँ पे पॉइंट ऑफ नॉर्मल और पॉइंट ऑफ टेंजेंट दोनों सेम है, तो इट मीन्स x1 और y1 तो दोनों के केस में सेम रहेंगे, लेकिन स्लोप दोनों के केस में बदल जाएगा। इसके स्लोप को अगर मैं m ले रहा हूँ तो हमारा फार्मूला रहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो जिस भी तरीके से आप निकालेंगे, इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला यूज होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए यूज होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो जिस भी मेथड से आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, x माइनस एक्स वन। तो ये हमारा स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो आगे के जो क्वेश्चन होंगे मैं इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं वो आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 19। इन दिस क्वेश्चन the question says that find the equation of tangent and find the equation of normal when the curve is given and the point of contact is given. तो किसी भी line की equation निकालने के लिए दो चीज़ों की requirement होती है, one is a point and the second is the slope. तो in this case हमें point given है, slope given नहीं है, but previous questions जो मैंने आपको बताया उन मैंने आपको यह बताया है कि slopes कैसे निकालते हैं। तो it means अगर आपको equation निकालनी है तो slope आपके पास है, idea कैसे निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे कर्व का, डिफरेंशिएट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 2/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 इंटू वाई की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज 2/3 वाई की पावर माइनस 1/3 इंटू dy बाई डी एक्स, इस पार्ट को मैं उधर लेके जाता हूँ तो माइनस 2/3 एक्स की पावर माइनस 1/3। अब 2/3 से 2/3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई dx का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ एक्स की पावर माइनस 1/3 वाई की पावर माइनस 1/3। तो अभी dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस
मैं इसे रेसिप्रोकल कर देता हूँ y बाई एक्स, और पावर नेगेटिव से पॉजिटिव कर देता हूँ। अभी ये कर्व है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है 1,1। अब मैं x और y की जगह अगर 1 पुट करता हूँ एट 1,1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गया -1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 1/3, इट मीन्स -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गया नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट, मीन्स -1/-1, दैट इज 1। अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुका, आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं तो पॉइंट ऑन टेंजेंट इज गिवन, दैट इज 1,1। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाल लिया, दैट इज -1। तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला, इक्वेशन इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन x माइनस एक्स वन। y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, दिस इज x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट गिवन है नॉर्मल का सेम, दैट इज 1,1। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1। Now y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स वन, तो y माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन, x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। Find the equation to the tangent y is equivalent to x square minus 2x plus 7. ये कर्व का इक्वेशन गिवन है, हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, विच इज पैरेलल टू द लाइन। ये टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के, इसका इक्वेशन निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूँ, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, जस्ट ट्राई योर सेल्फ, फर्स्ट पार्ट अपने आप ट्राई करिएगा। मैं सेकेंड पार्ट करवा रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा चेंज है। दिस टेंजन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये टेंजन एक लाइन के परपेंडिकुलर है ये रहा, और वो लाइन की इक्वेशन गिवन है 5y-15x इज इक्वल टू 13। अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजन फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो किसी भी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसके ऊपर एक पॉइंट और एक स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है। ना यहाँ पे पॉइंट है, ना यहाँ पे स्लोप है, हमें दोनों ही चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं x1 एंड y1, लेट द पॉइंट बी x1 एंड y1। तो ये x1 y1 अगर हमने पॉइंट एज्यूम किया और यहाँ dy by dx फाइंड आउट करते हैं तो आएगा 2x-2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल हो गया 2x1-2, क्योंकि हमने ये पॉइंट यहाँ पे पुट किया x1 एंड y1, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अभी यहाँ से इस लाइन से स्लोप ऑफ लाइन अगर हम फाइंड आउट करें, फार्मूला होता है माइनस ऑफ ए बाय बी, जिसमें ए होता है कॉफिशेंट ऑफ एक्स, बी होता है कॉफिशेंट ऑफ वाई, तो आ गया 3। मीन्स स्लोप ऑफ लाइन इज 3। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके -1 होता है, m1 into m2 is equal to -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाला 2 into x1-2, और m2 का स्लोप ये निकला 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये स्लोप ऑफ लाइन, दोनों का प्रोडक्ट -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो 2x1-2 is equal to -1/3, 2x1 is equal to -1/3 plus 2/1, 2x1 is equal to -1+6 divided by 3, so 2x1 is equal to 5/3, x1 is 5/6। अब ये x1 निकला, अभी मुझे y1 निकालना है, क्योंकि मुझे पॉइंट और स्लोप दोनों चाहिए। y1 निकालने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा, x1 और y1 यहाँ पुट करा दो, तो y1 is x1 का स्क्वायर -2 into x1 plus 7,
क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाया करे तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा ना, तो मैंने सेटिस्फाई करा दिया, टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। ये जो x1 का वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करिए तो y1 आ जाएगा 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7/1। नाउ जस्ट टेक द एलसीएम, y1 इज 25 माइनस 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 36। इससे हमारा y1 का वैल्यू आ गया, मीन्स हमारा कोऑर्डिनेट आ गया x1 कॉमा y1। अब ये तो हमारा आ गया कोऑर्डिनेट, मींस पॉइंट ऑन टेंजेंट, पॉइंट ऑन टेंजेंट। ये आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट हमने निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? ये 3 निकला ना, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -1/3 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो आई एम जस्ट राइटिंग द फार्मूला देयर, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। नाउ x1 एंड y1 जो आपका कोऑर्डिनेट निकला होगा उसको यहाँ प्लेस कीजिएगा, दैट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।